Hello everyone, welcome back to another video. Today I am going to tell about Hilo baby top with shorts. ये dress मैंने बनाई है 7 to 8 year baby के लिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ड्रेसेज आप लोगों को इस चैनल पर सीखने को मिलती रहती हैं. तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट. बेबी टॉप बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर वाइट कॉटन फैब्रिक. शॉर्ट्स बनाने के लिए लिया है 1/2 मीटर कॉटन फैब्रिक. सबसे पहले हम बनाएंगे बेबी टॉप. ये सिंगल पीस है फ्रंट पार्ट के लिए, जिसकी विड्थ है 20 इंचेस, लेंथ है 15 इंचेस. अभी कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे. ये सिंगल पीस है बैक पार्ट के लिए, जिसकी विड्थ है 20 इंचेस, लेंथ है 19 इंचेस. कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट के कपड़े को बैक पार्ट का जो कपड़ा है उसके ऊपर रखेंगे. शोल्डर मार्क करेंगे 6 इंचेस, आर्म होल मार्क करेंगे 3.5 इंचेस, फिर मार्क करेंगे चेस्ट लेंगे 8 इंचेस. आर्म होल को गोलाई में शेप देंगे, फिर जो कपड़ा हमने मार्क किया है उसको कट करेंगे. अभी जो फ्रंट पार्ट की जो बॉटम है वहाँ से मार्क करेंगे 6 इंचेस दोनों साइड, और फिर दोनों मार्क को मिलाएंगे. सेम मार्क करेंगे बैक पार्ट पर दोनों साइड. जो हमने फ्रंट पार्ट पे मार्क लगा था उसको दूसरी साइड भी लगाएंगे. बैक पार्ट की बॉटम से सर्कुलर शेप में मार्क लगाएंगे जो हमने मार्क लगा था वहाँ तक. फिर जो कपड़ा हमने मार्क किया उसको कट करेंगे. ये 2 पीस हैं फर्स्ट लेयर के लिए, ये 2 पीस हैं सेकंड लेयर के लिए. फर्स्ट लेयर की लेंथ है 4 इंचेस, विड्थ है 27 इंचेस. सेकंड लेयर की जो लेंथ है वो है 6 इंचेस, विड्थ है 27 इंचेस. दोनों लेयर से एक एक पीस लेंगे और छोटी छोटी प्लीट डालेंगे या फिर कपड़े को कदर करेंगे. ये फ्रंट पार्ट है, आर्म होल को स्टिच करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे. अभी दूसरा जो आर्म होल है उसको भी ऐसे ही स्टिच करेंगे. सेंटर में मार्क करेंगे. सेम इसी तरीके से ही जो बैक पार्ट है उसके जो आर्म होल है उसको स्टिच करेंगे और सेंटर में मार्क लगाएंगे. अभी स्ट्रप के लिए फैब्रिक लेंगे, जिसकी विड्थ है 3 इंचेस, लेंथ है 9 इंचेस. कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे. सेम इसी तरीके से दूसरी जो स्ट्रप है उसको भी स्टिच करेंगे जो मैंने कर ली है. अभी दोनों स्ट्रप को अटैच करेंगे. स्ट्रप को हमें रॉन्ग साइड में अटैच करना है. बैक पार्ट के साथ हमने दोनों स्ट्रप्स को अटैच कर लिया है. अभी हम जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ भी स्ट्रप्स को अटैच करेंगे. जो बैक पार्ट है उसको सीधी साइड टर्न करके और जो फ्रंट पार्ट है उसको रॉन्ग साइड टर्न करके स्ट्रप्स को अटैच करना है. अभी हम दोनों लेयर के एक एक पीस लेंगे, दोनों को साथ में लेके छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे या फिर कपड़े को गैदर करेंगे. अभी सेंटर में मार्क करेंगे. अभी मशीन में नीचे जो धागा है वो सिंपल धागा है उसको निकालेंगे और इलास्टिक थ्रेड लेंगे
और स्क्रू को लूज करेंगे थोड़ा सा, और उसके अंदर जो इलास्टिक थ्रेड बॉबिन है उसको डालेंगे। ऊपर का जो थ्रेड है उसको भी थोड़ा टाइट करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट के साथ रफल को अटैच करेंगे। रफल को हमें सेंटर में अटैच करना है। अगर आपके पास इलास्टिक थ्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल रफल को अटैच करके फिर बाद में आप इलास्टिक लगा सकते हैं। अभी रफल को सीधी साइड टर्न करेंगे। फ्रंट पार्ट पे हमने रफल को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से ही हम जो बैक पार्ट है उस पर भी रफल को स्टिच करेंगे और फिर अटैच करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट पे जो मार्क है वेस्ट में, उसके ऊपर इलास्टिक स्टिच लगाएंगे। अगर आपके पास इलास्टिक थ्रेड नहीं है तो आप सिंपल जो इलास्टिक है उसको भी अटैच कर सकते हैं। जो बैक पार्ट पे हमने दोनों मार्क लगाए थे उनको मिलाएंगे। और यहाँ पर भी इलास्टिक स्टिच लगाएंगे या फिर इलास्टिक अटैच करेंगे। अभी बैक पार्ट की रफल के लिए फैब्रिक लेंगे, जिसकी लेंथ है 6 इंचेस, विड्थ है 54 इंचेस, मतलब 54 इंचेस। अभी कपड़े पे छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे या फिर कपड़े को गैदर करेंगे। अभी रफल को अटैच करेंगे। अभी दोनों पार्ट की जो फर्स्ट लेयर हैं उनको अटैच करेंगे साइड से। फर्स्ट लेयर अटैच करने के बाद सेकंड लेयर को अटैच करेंगे साइड से। अभी दोनों पार्ट को साइड से अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से ही हम दूसरी साइड भी दोनों जो लेयर हैं उनको अटैच करेंगे और दोनों पार्ट को अटैच करेंगे जो मैंने कर लिए हैं। अभी हम सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी जो शोल्डर पे कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दूसरा जो शोल्डर है उसको भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे जो मैंने कर लिया है। अभी जो फर्स्ट लेयर है उसका जो बॉर्डर है उसको या तो पिको करेंगे या स्टिच करेंगे। दूसरी जो लेयर है उसको भी ऐसे ही स्टिच करेंगे या पिको करेंगे। अभी हम जो बॉर्डर है टॉप का उसको स्टिच करेंगे या फिर पिको करेंगे। अभी हमारा टॉप हो गया है कंप्लीट। टॉप को प्रेस करेंगे, फिर हम बनाएंगे बेबी शॉर्ट्स। ये 2 पीस हैं बेबी शॉर्ट्स के लिए, जिनकी विड्थ है 20 इंचेस, लेंथ है 15 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे, क्रोच लेंथ मार्क करेंगे 10 इंचेस, विड्थ मार्क करेंगे 1.5 इंचेस।
बॉटम या मोहरी मार्क करेंगे 9 इंचेज। क्रोच लेंथ को गोलाई में मार्क करेंगे। फिर जो कपड़ा हमने मार्क किया उसको कट करेंगे। अभी क्रोच लेंथ से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। सीधी साइड टर्न करेंगे। इसके बाद हम कपड़ा लेंगे पॉकेट के लिए, जिसकी विड्थ है 7 इंचेस, लेंथ है 8.5 इंचेस। मार्क करेंगे 2 इंचेस 2 इंचेस, फिर दोनों मार्क को मिलाएंगे। जो मार्क किया है उसको कट करेंगे। अभी कपड़े को ऊपर से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अभी एक स्टिच और लगाएंगे। मार्क करेंगे 4 इंचेस, मार्क करेंगे 1 इंचेस। अभी जो मार्क हमने लगा है उसके ऊपर एकदम सीधा हम पॉकेट को अटैच करेंगे। पॉकेट को अटैच करने के बाद एक स्टिच और लगाएंगे। सेम इसी तरीके से ही हम दूसरी जो पॉकेट है उसको भी कट करेंगे और अटैच करेंगे। अभी इलास्टिक लेंगे जिसकी लेंथ है 18 इंचेस। इलास्टिक के दोनों सिरों को अटैच करेंगे। इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो इलास्टिक पे ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कपड़े को फोल्ड करना है, इलास्टिक को स्ट्रेच करना है और सिलाई लगानी है। अभी रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, फिर बॉटम से स्टिच करेंगे। अभी हमारी शॉर्ट्स की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। शॉर्ट्स को सीधी साइड टर्न करेंगे, प्रेस करेंगे। आज की हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो में कुछ सीखा तो लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।